नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 29 जुलाई और साथियों इस वीडियो में आज के शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं, व्याख्याताओं की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से 30 तक भरे जाएंगे विकल्प। बीकानेर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 और 2022 के तहत अंतिम रूप से चयनित 60 व्याख्याताओं की काउंसलिंग 29 जुलाई से की जाएगी। विषयवार अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और स्कूल आवंटन के लिए अभ्यर्थियों को 29 जुलाई सुबह 11 बजे से 30 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन विकल्प भरने होंगे। काउंसलिंग सूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन विद्यालय प्राथमिकता विकल्प सबमिट नहीं होने पर अभ्यर्थी को कोई भी विद्यालय आवंटित किए जाने के लिए शिक्षा विभाग स्वतंत्र होगा। तो यह आज की पहली अपडेट, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 18 और 22 के जो है 60 अभ्यर्थियों के लिए। अगली अपडेट है, यहाँ पर पीटीटी कॉलेज बदलने और चॉइस के फेस आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। पीटीटी चॉइस के तहत प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में बदलाव और फ्रेश चॉइस के विकल्प 28 जुलाई से शुरू हो गए हैं और अभ्यर्थी 29 जुलाई तक जो है कॉलेज का विकल्प भर सकेंगे। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस बार अपवर्ड मूवमेंट ना करके विद्यार्थियों को फिर से चॉइस फिलिंग का अवसर दिया है और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त को अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज में सीट आवंटित होगी उन्हें ₹22,000 ऑनलाइन शुल्क 5 अगस्त से 9 अगस्त तक जमा करना होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय में 11 अगस्त तक रिपोर्टिंग करना जरूरी होगा। ये आप देख सकते हैं पीटीटी 24 को लेकर के अपडेट। और यहां बड़ी खबर, पौधारोपण टारगेट पूरा करने पर टीचर को ट्रांसफर मेरिट में 5 अंक। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए हरियाली और राजस्थान पौधारोपण अभियान के तहत पलसाना सीएससी परिसर में 551 पौधे लगाए और श्री दिलावर ने कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा तापमान वाले 15 शहरों में राजस्थान के 7 शहर शामिल है और राजस्थान में प्रति व्यक्ति केवल 20 पेड़ है जबकि प्रति व्यक्ति 472 पेड़ होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को हरियाली तीज पर अधिक से अधिक पौधारोपण करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो स्कूल या फिर स्कूल का अध्यापक अपने पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेगा उसको ट्रांसफर मेरिट में 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो विद्यार्थी अपना पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करता है उसे पर्यावरण विषय में 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। यह आप देख सकते हैं। अगली अपडेट से शिविरा पंचांग जारी। यह साथियों काफी समय से इसका इंतजार था, आखिरकार कल शिक्षा विभाग ने जो है पंचांग जारी किया है। नए शिक्षा सत्र में 233 दिन स्कूल, 132 दिन की होगी छुट्टियां। शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश में 7 दिन की बढ़ोतरी। बीकानेर राज्य के स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र में 233 दिन स्कूल लगेंगे। 132 दिन की छुट्टियां रहेगी, इसमें 52 रविवार और 80 अवकाश शामिल है। शिक्षा विभाग ने नया शिविरा कैलेंडर घोषित कर दिया और अभी इसी कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षा सत्र 24-25 में सामान्य प्रवेश की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी है और 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। आप देख सकते हैं, हालांकि इस बार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में 7 दिन की बढ़ोतरी की है। आप देख सकते हैं ऐसे रहेगा स्कूलों के संचालन का समय दिया हुआ है और नए सत्र का एग्जाम शेड्यूल आप देख सकते हैं, फर्स्ट टेस्ट 21 से 23 अगस्त तक, सेकंड टेस्ट 14 से 16 अक्टूबर, अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 24 दिसंबर इस प्रकार से रहेगा। शैक्षिक सम्मेलन अक्टूबर और जनवरी में, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ जयपुर जोधपुर उदयपुर व अजमेर में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में डेपुटेशन बैन। इस आदेश के बाद 27 जिलों में हो गए हैं 111 डेपुटेशन। शिक्षा मंत्री बोले परिस्थितियों के कारण करने पड़े। शिक्षा अधिकारी बोले कुछ निरस्त किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में 16 मार्च से 6 जून तक आदर्श आचार संहिता प्रभावित थी लेकिन अप्रोचियों को खेल देखिए उन्होंने आचार संहिता के बावजूद चहेतों का डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्तियां करवा ली। ताजुब की बात यह है कि इन डेपुटेशन के बाद बीकानेर में बैठे उच्च अधिकारी भी आके खुली जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही शिक्षा विभाग में सभी डेपुटेशन निरस्त के आदेश स्वयं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए थे। और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने इसी उन्नीति से स्कूल शिक्षा बीकानेर अजमेर भरतपुर जयपुर कोटा चूरू जोधपुर उदयपुर व पाली संभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।
दिलावर बोले अनावश्यक एक भी डेपुटेशन नहीं किया। ये भी आप देख सकते हैं। अगली खबरें, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, ओमर सीट में गोला ठीक से नहीं भरा तो मेहनत बेकार। जयपुर प्रतियोगी परीक्षाओं की ओमर सीट में गोला सही नहीं भरने पर प्रश्न हल करने के लिए दी गई पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाईकोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती 24 को लेकर यह आदेश दिया है, लेकिन इसका असर अभी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आएगा। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पायल सोनी व प्रियंका की याचिका पर यह आदेश दिया है। आप देख सकते हैं। अगले अपडेट्स, पहले राउंड में 2 वर्षीय बीएड की 70% और 4 वर्षीय बीएड की 60% सीटें भरी। आज खत्म हुआ फ्रेश चॉइस फिलिंग का राउंड। पीटीटी में नई पहल, बीएड कॉलेजों में 32,747 रिक्त सीटों की लिए लिस्ट ऑनलाइन जारी, अब आसानी से चॉइस भर पाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से बड़ी अपडेट, उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरआरबी ने बीटेक डिग्री वाले के लिए यहां पर 7,951 पदों पर भर्ती निकाली है। लास्ट डेट 29 अगस्त। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, कैसे करें आवेदन, यह आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया, और नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन माइनिंग ऑपरेशन सहित 144 पदों पर वैकेंसीज में, और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के 526 पदों पर भर्ती, और आंगनबाड़ी सेविका के 2545 पदों के लिए निकाली गई भर्ती यहां पर देख सकते हैं। लास्ट डेट 8 अगस्त ओडिशा। और यहां पर अगली खबर, प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े उर्फ नाना से खास बातचीत, फर्जी डिग्रियों के दोषी निजी विश्वविद्यालय पर सख्त एक्शन करेंगे हरिभाव। ये भी आप देख सकते हैं। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव किशन राव बागड़े से रविवार को भास्कर ने बात की, और उन्होंने फर्जी डिग्रियों में कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की मिली भगत पर कहा कि दोषी विश्वविद्यालयों पर सख्त एक्शन लेंगे। वे जल्द ही जयपुर आकर अपना पदभार संभालेंगे और इसके बाद पूरा एक्शन प्लान तैयार करेंगे। महिला बाल विकास विभाग संरक्षण अधिकारी के ऑनलाइन आवेदन आज से। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली महिला और बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे आज से, और आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। सरकारी नौकरियां पर असम बिहार उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बहाली, भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर भर्ती के लिए कई राज्यों में वैकेंसी। लास्ट डेट 5 अगस्त। अगली खबरें, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 73.55% परीक्षार्थी शामिल हुए जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित सीधी भर्ती परीक्षा 24 का जो आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश भर में इस परीक्षा में 73.55% अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। CUET UG रिजल्ट जारी, परसेंटाइल की जगह अंक मिले, ये भी आप देख सकते हैं। NTA, आवेदकों को वरीयता में संशोधन का मिला मौका। रेलवे में साइक्लो को पायलट भर्ती के लिए आवेदन कर चुके सफल अभ्यर्थी सोमवार से अपनी आरआरबी और क्षेत्रीय रेलवे की यहां पर वरीयता में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए 29 अगस्त से लिंक जारी कर दिया जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों ने पहले LLP भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व में आवेदन किए थे और इसमें से जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार हुए हैं उन्हें इस भर्ती परीक्षा में आरआरबी और क्षेत्रीय रेलवे की ओर से संशोधन करने का विकल्प दिया गया है। तो ये है साथियों आज की बड़ी खबरें, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब करें।